रिया से सीबीआई ने पूछा कि आप कहां पर कंफर्टेबल हैं बयान देने के लिए, चॉइस दी उनको आपको कहां पर बयान देना है, किसी अन्य जगह पर, अपने घर पर या डीआरडीओ ऑफिस में, क्या ऑप्शन दिए गए मुझे पता नहीं है, सोर्सेज से इतना बताया कि उनको ऑप्शन दिया गया और रिया ने खुद कहा कि उनको डीआरडीओ ऑफिस आना है। आखिर क्यों रिया डीआरडीओ ऑफिस आकर पूछताछ करना चाहती हैं, बयान देना चाहती हैं? रिया जिन्होंने कल इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए, लगातार वो बात कर रही हैं, अपनी सफाई दे रही हैं, जब उनको चॉइस दी गई तो वो किसी अननोन डेस्टिनेशन पर भी ये पूछताछ करवा सकती थी, मगर उन्होंने डीआरडीओ ऑफिस का ऑप्शन दिया जो सोर्सेज बता रहे हैं। और सीबीआई ने उनसे ये ऑप्शन पूछा ही क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अक्यूज़ को ये पूछना सही नहीं है, पर हाँ सेलिब्रिटी है तो पूछते हैं। हालांकि रिया कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है मुझे पता नहीं, अब टॉक्ड अबाउट पर्सन बन गई है, सेलिब्रिटी तो नहीं कहूँगी, टॉक्ड अबाउट पर्सन बन गई, चूँकि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी इसलिए उनको सेलिब्रिटी स्टेटस मिला हुआ था, और उनकी फिल्म आने वाली थी अमिताभ बच्चन के साथ, ये एक बड़ी बात है, अदरवाइज जिलेबी फिल्म के बाद उनको कोई पहचानता नहीं था, जहाँ तक मैं कहती हूँ। तो ऐसे में सीबीआई ने ऑप्शन क्यों दिया, बड़ा सवाल है, और रिया ने डीआरडीओ का ऑफिस क्यों सेलेक्ट किया, ये उससे बड़ा सवाल है। अगर आपके पास जवाब है तो बताइएगा। बने रहे हमारे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।